हाँ, तो जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया था आपको होमवर्क, उसी को पहले मैं लेके स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उसी होमवर्क से आगे बढ़ते हैं, फिर बाकी और भी जो चीजें होंगी उसको डिस्कस करेंगे। पहले वो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर आंसर मिला लेते हैं कि कितना आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपका आंसर सही होगा। सवाल क्या था कि हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर कैन बी मेड बाई यूजिंग डिजिट्स। भाई देखो, कुछ डिजिट्स दे रखा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। इतनी डिजिट दे रखा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कितनी नंबर्स हम बना सकते हैं, शायद 6 नहीं था, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपके सामने है। सच दैट सिक्स, अभी देख लेते हैं। सच दैट पहला ग्रेटर देन 32,000, यही मैंने दे रखा था पहला कि 32,000 से ज्यादा। दूसरा था लेस देन 51,000। तीसरा था बिटवीन 32,000 एंड 41,000, इसके बीच में कितनी थी। बात समझ में आ रही है? तो डिस्कस करते हैं सवाल को कि क्या आपका कितना ये कितनी नंबर्स बनेंगी और कितनी नंबर्स नहीं बनेंगी। बात समझ में आ रहा है? जरा सा डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करके देखते हैं। पहले तो इसका एक एक आंसर मिलाते हैं। हाँ, तो ये आपका, हाँ ये डिजिट 6 ही थी, यहाँ पे 6 तक था, ठीक है ना। अब जरा देखो पहला वाला, भाई अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 32,000, 5 डिजिट का नंबर है ये। देखो कैसे बनाएंगे, केस बना बना के सोचेंगे। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हम मान लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सवाल में लिखा नहीं है, लेकिन अगर हमने कह दिया कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अलाउड होगा तो क्या होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा। हम पहले मान लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आरएनए के लिए कर रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। कितने, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब इसमें पहले अगर मैंने यहां पे 3 डाल दिया, यहां पे 2 डाल दिया, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इससे हम कुछ भी यहां पे डालें, क्या हमेशा एक बड़ी नंबर 32,000 से आएगी? तो इसको भरने के तरीके 7, इसको भरने के, क्योंकि नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स हैं, तो 7, इसको भरने के तरीके 6 और इसको भरने के तरीके 5, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? प्लस, कहानी खत्म हो गई तो दूसरा में लगाएंगे, तो प्लस लगाएंगे। जब एक केस खत्म हो जाए, काम पूरा हो जाए, तो अगला केस अगर कुछ पॉसिबल हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। अब 3 के बाद यहाँ पे, 3 के बाद अब यहाँ पे 2 के बाद हम डाल सकते हैं 3, 4, 3 तो डाल नहीं सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड तो है नहीं। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 तरीके यहाँ पे हमने डाल दिए इनटू। अब जो 1, 2, सॉरी सॉरी बहुत बड़ी गलती हुई है, देखो यहाँ पे तो 2 पहले से पड़ गए हैं, तो और कितने बचे हुए हैं, 5। अरे भाई देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से 2 आपने डाल दिए, तो बचे कितने, 5, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे 5 जाएगा, यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा। अरे बहुत बड़ी बड़ी गलती होने से बचा लिया आप लोगों ने। फिर यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे हमने 3 तरीके से इसमें 4, 5, 6 डाल सकते हैं। एक यहाँ पड़ गया, एक यहाँ पड़ गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 तो पड़ गए, 2 नंबर तो पड़ गए, बचे 5, फिर बचे 4, फिर बचे 3। ये आप इतने तरीके से बन गया। और क्या केस हो सकता है प्लस सर जी, और क्या केस हो सकता है सर जी? तो देखो सर जी, यहाँ पे केस 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे भरने का तरीका हो गया, मान लो कि हमने भर दिया यहाँ पे 3 से बड़ी कोई भी नंबर, 4, 5, 6 कुछ भी भर दिया यहाँ पे, कितने तरीके से, 3 तरीके से, एक नंबर भरा गया। अब यहाँ पे कुछ भी जा डाल दो, बड़ा ही होगा, 4 लग दो, कुछ भी डाल दो बड़ा ही होगा, मतलब कितने तरीके से, 6 तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी एक पड़ गया, 7 नंबर है यहाँ पे, फिर 5, यहाँ पे फिर 4, फिर यहाँ पे 3, और इन सबको जोड़ दिया, आपको 32,000 से बड़ी नंबर मिल गई। बोलो सबका आंसर यही आया था। सेकेंड, अच्छा रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या करेंगे सर जी? तो देखो वहां पे पहली बार, देखो यहां पे आप 3 डाल सकते हैं, सोचो एक ही बार हम कर रहे हैं, 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं। यहां पे हमने डाला
दो 32,000 दो डाला, तीन डाला, चार डाला, पांच डाला, छह डाला, मतलब यहाँ पे चार तरीके से, यहाँ पे हमने पांच तरीके से। अब यहाँ पे जो दो पड़ गए तो पांच तरीके से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम कितने भी सातों में से कुछ भी डाल दे चलेगा, क्या डाल दे, सातों में से कुछ भी डाल दे चलेगा। बात समझ में आया, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे होगा सातों में से कुछ भी डाल दे चलेगा, यहाँ पे सातों में से कुछ भी डाल दे चलेगा। पर एक इसमें बड़ी समस्या है कि जिस दिन यहाँ पे तीन है यहाँ पे दो है, तीन और दो, और इन सात में से एक जीरो यहाँ आया, एक जीरो यहाँ आया, एक जीरो आया, तो 32,000 हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो कितना हो जाएगा, 32,000। तो इन सब में वो केस इंक्लूड है, एक बार यहाँ पे तीन, एक बार यहाँ पे दो, बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड है, आपका इंक्लूड हो गया है। इसका मतलब कि हमको एक केस वो माइनस करना पड़ेगा, कौन सा, 32,000 वाला। मतलब पूरा आंसर क्या लिखेंगे इस सवाल के लिए, रिपीटेशन अलाउड के लिए, कि आपका 4 × 5 × 7 4 × 5 × 7 3 − 1 ये 1 कौन सा है, 32,000 वाला। इस केस को हमने माइनस कर दिया। बोलो बात समझ में आया। तो ये आपका पहले वाले का आंसर हुआ। सेकंड वाले का जरा आंसर निकालते हैं। 51,000 से छोटा चाहिए, क्या हो जाएगा सेकंड वाला, लेस देन 51,000। कितना हो जाएगा भाई 51,000 से छोटा, ये आपका पहला केस है। क्या वही रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो क्या हो जाएगा, पहले हमको 51,000 से छोटा चाहिए ना, तो ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पांच। यहाँ पे डालने का तरीका देखो, 51,000 से छोटा चाहिए, आ रही बात समझ में, तो यहाँ पे हमने पांच डाल दिया, यहाँ पे हमने जीरो डाल दिया, पांच और ये डाल दिया, यहाँ पे जीरो डाल दिया, तो अब यहाँ पे कुछ भी डालेंगे वो 51,000 से छोटा ही होगा, लेकिन दो नंबर पड़ गई है, तो आपका यहाँ पे पांच है और यहाँ पे चार और यहाँ पे तीन तरीके से पड़ सकती है ये नंबर प्लस, यहां से सोचो प्लस। अब क्या हो जाएगा, हमें तो छोटा चाहिए, पांच डिजिट का भी चाहिए और छोटा भी चाहिए 51,000 से। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई अब यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं, तो एक डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, तीन डाल सकते हैं, चार डाल सकते हैं, पांच पहले से ही पड़ चुका है, इनमें से कुछ भी डाल दिया चार तरीके से, बाकी बचे हुए कोई भी छह डालो, अब आपका छोटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा × 4 × 3 × 3। ये आपका पूरा आंसर दोनों को जोड़ देगा, क्योंकि भाई इसमें इनमें से कोई एक नहीं पड़ सकता, बाकी इसमें से कुछ भी पड़ गए, ठीक है। अगर सर जी रिपीटेशन अलाउड हो गया तो क्या कर लेंगे बच्चों, देखो एक दो तीन और ये हो गया आपका चार, पांच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे हमने पांच डाल दिया, क्या क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, पहले पांच वाला केस अभी भी अलग कर लेते हैं, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, जैसे पांच डालेंगे आगे नंबर बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पांच यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया हमने जीरो, अब यहाँ पे हमने डाल दिया, इन पांच में से जीरो डाल देते इन पांच, अब सातों में से कोई भी एक अंक आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी सात में से कोई भी एक अंक आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी सातों में से कोई भी एक अंक आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत जाएगा, तो पांच सात पांच जीरो छह 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 जाएगा, वन के बाद अगर हम कुछ करेंगे तो अगर वन वाला अगर फाइव वन करते तो सब जीरो आता, तो एक केस होता उसको वैसे भी लेना नहीं था, तो ये सात केस हो गया प्लस। अब देखो बाकी बचे हुए एक दो तीन चार, देखो यहाँ पे हमने डाला 1, 2, 3, 4, पांच वाला केस हो चुका है। अब यहाँ पे बाकी इसको भरने के सात तरीके × और इसको भरने के चार तरीके, इन दोनों को ऐड कर दिया तो अपना आंसर मिल गया। बात समझ में आई, ते तो सेकेंड वाले करा। थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे ऐसी गलती नहीं करेंगे कि भाई सर जी क्या कर देना, घटा देते हैं 51,000 से छोटे वाले नंबर का और 32,000 से बड़े वाले नंबर का घटा देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करते ही लफड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसका केस बनाएंगे थर्ड वाले का, बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आपने अगर इनको तुरंत घटा दिया तो। वजह क्या है, क्योंकि आपने सारी नंबर्स ले लिए ना 51,000 छोटी में, जबकि हमको सारी नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए आपका 1, 2, 3, 4। सोचो इसको मैंने यहाँ पे तीन दे दिया, यहाँ पे दो दे दिया, तो यहाँ पे भरने के तरीका, हम यहाँ पे बस रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला मैं बात कर रहा हूँ, अलाउड वाला आप खुद बात कर लेना।
रिप्रेजेंटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे भरने के पांच तरीके, यहाँ पे भरने के तीन तरीके, यहाँ पे भरने के दो तरीके, सॉरी यहाँ पे चार और यहाँ पे तीन। इस ये तो आपका हो गया 32,000 से बड़ी, इस वर्ष 32,000 साड़ी बड़ी नंबर आएंगे। फिर प्लस और जरा सुनो, एक दो तीन चार पांच, इस पे देखो मैंने डाल दिया तीन ही डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भरने का मैंने कहा कि चार डाल सकता हूं, पांच डाल सकता हूं, छह डाल सकता हूं, तीन तरीके से। आ रही बात समझ में? देखो कोई नंबर रिपीट नहीं करेगी यहाँ पे, तब पांच क्योंकि एक ये जा चुका है, एक ये जा चुका है, यहाँ पे तब चार और यहाँ पे तब तीन। फिर प्लस, अब जरा सुनना, यहाँ पे हमने चार डाला, पांच अभी नहीं डाला, पांच डालते ही गड़बड़ हो जाएगा, हम बड़ी नंबर मिलने लगेगी, तो चार डाला। चार डालने के बाद इसको भरने के तरीके छह, इसको भरने के तरीके पांच, इसको भरने के तरीके चार, इसको भरने के तरीके तीन, क्योंकि अब चार पड़ गया तो यहां पे क्या पड़ेगा, जीरो वन टू थ्री फाइव सिक्स, एक दो तीन चार पांच छह, छह तरीका। आ रही बात समझ में? और जो इसमें पड़ गया वो इन दोनों को छोड़ के चार, बाकी पांच यहाँ पे, बाकी ये सब नंबर अभी भी 3,3200 से बड़ी है और 51,000 से छोटी है, 32,000 से बड़ी है, 51,000 से छोटी है। प्लस एक और केस, प्लस एक दो तीन चार। अब जरा देखो, हमने कहा कि यहां पे हमने डाल दिया पांच, तो यहां पे हमारी मजबूरी आ गई जीरो डालना। अगर एक डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बढ़ जाएगी नंबर, बड़ी हो जाएगी, तो जीरो ही हम डाल सकते हैं। मतलब इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका। अब यहां पे हम कितने भी पांच तरीके से भर दे, क्योंकि दो नंबर भर चुकी है, बाकी बचा हुआ चार, बाकी बचा हुआ तीन। अब ये सबको जोड़ दिया, इसको 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 जोड़ दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा इनके बीच में होने वाली नंबर्स। बात समझ में आया? तो पिछले लेक्चर सबका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सामने सही नहीं लगाया हुआ है। ये तीसरे वाले में ये वाला केस आप मिस कर गए थे, पर इसमें ठीक है। आप जरा सा अब ध्यान रखना आगे से कि कैसे हमें केस बना बना के डील करना है, ठीक है? अब जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई।